इंदौर भाजपा के भीष्म पितामह और ब्राह्मण समाज के जननायक स्वर्गीय पंडित विष्णु प्रसाद शुक्ला की जयंती पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर पर सुबह 9 बजे से परशुराम वाटिका मरीमाता चौराहे पर भगवान परशुराम की प्रतिमा के सामने हवन पूजन किया गया और उनकी यादों को साझा किया गया। देखिए रिपोर्ट। कार्यक्रम के दौरान श्री परशुराम सेना के अनूप शुक्ला ने बताया कि विधायक संजय शुक्ला के सुपुत्र सागर शुक्ला द्वारा भगवान परशुराम जी की मूर्ति के समक्ष हवन पूजन किया गया। इस दौरान स्वर्गीय पंडित विष्णु प्रसाद शुक्ला के प्रशंसकों का जमावड़ा लग गया और उन्हें याद कर लोगों की आंखें नम हो गई। आदरणीय बाबू जी ब्राह्मण समाज के जननायक थे। जननायक होने की वजह से लोगों की अपनी भावना है। प्रथम उनके जयंती का अवसर है। बाबू जी की प्रथम जयंती हमारे लिए कहीं ना कहीं हृदय से हृदय विदारक है कि हम उनका पहली बार उनका जन्मदिन ऐसा मन रहा है कि जब वो मौजूद नहीं है और उनकी गैर मौजूदगी में हमारे को आज यहाँ पे उनका जन्मदिन मनाना पड़ रहा है। निसंदेह हमारी दिल की भावना यही रही थी कि बाबूजी शतायु हो पर ऊपर वाले की आगे कुछ चलता नहीं है, किंतु यहाँ परशुराम सेना के द्वारा और अखिल भारतीय ब्राह्मण संगठन द्वारा और सभी परिवारजन द्वारा यहाँ पर आज यहाँ पर हवन पूजन, क्योंकि भगवान परशुराम जी को बाबूजी बहुत ज़्यादा मानते थे। जब भी मिलते थे सभी से जय परशुराम कहते थे। उसी भावना के साथ यहाँ पर भगवान परशुराम जी के हवन पूजन और यज्ञ किया गया और साथ ही सब परिवारजन द्वारा यहां पर उनको अभी जयंती के अवसर पर माल्यार्पण और पूजन किया जाएगा। इस दौरान स्वर्गीय पंडित विष्णु प्रसाद शुक्ला के पुत्र और विधायक संजय शुक्ला के सुपुत्र सागर शुक्ला ने अपने दिवंगत दादाजी को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। आज हम सब ब्राह्मण समाज द्वारा यहाँ पूजन अर्चना की जा रही है क्योंकि बाबू जी यानी विष्णु प्रसाद शुक्ला बड़े भैया की आज जन्म जयंती है। इस अवसर पर सभी ब्राह्मण समाज ने यहाँ पे यज्ञ पूजन रखा गया है कि उन्हें सुख समृद्धि प्राप्त हो। स्वर्गीय पंडित विष्णु प्रसाद शुक्ला को श्रद्धांजलि देने वालों में प्रकाश मिश्रा, प्रकाश वाजपेयी, परशुराम सेना के महासचिव राजेश दुबे, विनोद द्विवेदी, ओपी मिश्रा, नंदकिशोर शर्मा सहित समाजजन उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, इंदौर।